इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है तेलंगाना से, आपको वो दे दे। साइबराबाद पुलिस ने एक फार्म हाउस पर छापा मारकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों पर आरोप है कि इन्होंने टीआरएस के 4 विधायकों को खरीदने की कोशिश की। आरोप है कि बीजेपी की तरफ से टीआरएस विधायक रेगा काथा राव, गोवाला बाला राजू, बीरम हर्षवर्धन रेड्डी और पायलट रोहित रेड्डी को खरीदने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से बड़ी रकम भी बरामद की है। पुलिस अब तीनों लोगों से पूछताछ कर रही है। जी मीडिया संवाददाता प्रसाद भोसेकर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रसाद, ये बड़ी खबर, एमएलए खरीदने की कोशिश? बिल्कुल, जब से तेलंगाना के मुनुगोडु विधानसभा क्षेत्र का बाई इलेक्शन घोषित किया गया है, तभी से राजनीति में जिसे कहते हैं आया राम गया राम, वो सिलसिला जारी है। टीआरएस से बीजेपी में लोग जा रहे हैं, बीजेपी से टीआरएस में आ रहे हैं। लेकिन जो कल का मामला है वो काफी संगीन मामला है। हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स में एक रिसोर्ट में ये 4 एमएलए जो टीआरएस के एमएलए है, उन्होंने पुलिस को फोन किया और ये कहा कि बीजेपी के कुछ लोग, उसमें एक स्वामी जी भी है, वो लोग जो है इनको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा देकर या कॉन्ट्रैक्ट का झांसा देकर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको बड़ा मुद्दा बनाने की जो है फिराक में टीआरएस है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसे जो है अपना पलड़ा साफ कर दिया है। ये कहा है कि वो लोग खुद आना चाहते थे और उन्होंने ही जो है इस मामले में उनको ट्रैप किया है। हालांकि जिस प्रकार से विजुअल्स हमको देखने को मिले कि कई सारे वो लोग थे और पुलिस, साइबराबाद की पुलिस वहां पर पहुंच गई और ये मामला अभी काफी बड़ा हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।